बाकी अपने आप ज्वाइन कर जाएंगे। ओके तो टुडे वी हैव टू डू एक्सपोनेंट एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। नो डाउट आपने ऑलरेडी आपको बेसिक सा पता है ना कि हमारे पास जो एक्सपोनेंट होते हैं ना वो पावर्स की फॉर्म है, मतलब पावर भी आपने लोअर क्लास में भी लिया है। अब हम जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंट फंक्शंस की बात करते हैं उसमें e पावर x पर वेयर a इज अ कांस्टेंट एंड x इज अ वेरिएबल है ना, या मेरे पास जो 10 पावर x इनके स्टैंडर्ड ग्राफ्स हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। तो अगर मेरे पास होंगे y e कैसा फंक्शन है a पावर x, अब ये वेरी करता रहता है मेरे पास। अगर मैं स्टार्ट करूंगा पॉलीनोमियल फंक्शन से जिसमें और कोई बीच में साथ में नहीं है, कैसा है अगर मैं बात करूं जैसे x पावर 3 इवन आप इसको भी क्या कहते हैं एक्सपोनेंट फंक्शन में इसको नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि यहाँ वेरिएबल पावर कॉन्स्टेंट। अगर मैं दूसरी बात करूँ एक्स स्क्वायर, ये भी एक्सपोनेंट फंक्शन नहीं है, इट्स अ वेरिएबल पावर कॉन्स्टेंट। ओके ऐसे ही y इज इक्वल टू x, ये सारे के अगर मैं आपको ग्राफ ड्रॉ करके दिखाऊं ना, आपको सबसे पहला पता है कि y इज इक्वल टू x का जो ग्राफ है ना बेटा एक स्ट्रेट लाइन होता है, जो आप पहले से करते आपको ऐसे एम आर राइट। इसके बाद अगर मैं आपको नेक्स्ट बताऊं कि मेरे पास हो गए y इज इक्वल टू x स्क्वायर, आपको पता है कि y इज इक्वल टू x स्क्वायर या वो तो पैराबोला की कर्व बनती है ऐसे, आधा बनाया मैंने सिर्फ हाफ क्योंकि मैं x की वैल्यू अभी पॉजिटिव ले रही, ठीक है तो वो नेगेटिव वैल्यू तो मेरे पास जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं y की वैल्यू x क्यूब वो मेरे पास हो गए ना, अगर x क्यूब लेना मैंने तो मेरे पास हो गए वो बेसिकली मोर स्टीपर हो गए ऐसे x क्यूब x 4 एक इसमें बहुत जो है कि मेरे पास एक कॉमन पॉइंट होगा कि ये 1-1 से पास नहीं करेगी। दूसरा ये बेटा मेरे पास जो कर्व है 0-0 से जरूर पास करेगी, 100% पास करेगी। अब खुद देखो कैसे, अगर मैं x 0 लेती हूँ तो y 0, x 0 तो y 0, x 0 तो y 0, अगर मैं x 1 खुद करती हूँ तो y भी 1, x 1 y 1, x 1 y 1, यानी ये कॉमन थिंग है इसमें कि इट पासेस थ्रू 1 1 एंड 0 0 ऑल दीस कर्व्स। ये तो मैंने एक पॉलीनोमियल से स्टार्ट किया ना, मेरे पास ये लीनियर जो है x = y, ये लीनियर फिर क्यूबिक बनाई फिर क्वाड्रेटिक बनाई ऐसे ही मैंने पावर सीरीज से। अगर मैं 10 की पावर x, 10 की पावर x की बात करूं अगर मैं बताऊं तो ये 100% बेटा पास करेगी 0.1। क्यों पास करेगी? अगर मैं कांस्टेंट की पावर 0 ले लूं तो आंसर कहां आएगा? यानी a पावर x की जितनी कर्व्स होंगी ना, जितनी भी कर्व्स होंगी चाहे वो 7 पावर x है चाहे 2 पावर x है चाहे 3 पावर x है, 100% इट पासेस थ्रू। अगर मेरे पास हो गए यहां कहीं 0.1 है तो वो कर्व पास 100% ऐसे पास करेगी इस पॉइंट से। ये मेरे पास था x इस पॉइंट से पास करेगी, इसके सामने आएगा 1 वो एज इट इज नहीं। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होनी बहुत जरूरी है तभी आप जो भी इनके एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते। हम बात कर रहे थे एक्सपोनेंट फंक्शन की, तो एक्सपोनेंट फंक्शन जो है उसका ग्राफ एक जनरल ग्राफ मैंने आपको ड्रॉ किया, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ a वो अपने आप एक चीज या डिफरेंस करता है। ओके बेटा अब बेटा ये मैंने नॉर्मल पॉलीनोमियल से ग्राफ ड्रॉ किया, अब बात कर हम तो डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, हमने तो डेरिवेटिव करना सीखना है।
तो डेरिवेटिव जो है ऑफ a पावर x में बार बार कह रही हूँ a इज अ कॉन्स्टेंट x इज अ वेरिएबल, इसका जो डेरिवेटिव है ना वो a पावर x log a e ओके कोई भी हो जाए, मान लो 2 की पावर x, आपने 2 की पावर x का जो है डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, तो मेरे पास 2 पावर x आंसर क्या है, 2 पावर x log 2। अगर मान लीजिए मेरे पास डेरिवेटिव मैंने यहां निकाला था, सपोज यहां पर x की जगह पे मेरे पास था x 7 पावर sin x, हमें तो कोई बात नहीं, वेरिएबल तो x ही है ना, तो अगर मैं देखूं a पावर sin x log a वो 7, बट चेंज हो लगे यहां sin नहीं, मुझे x चाहिए था बट x की जगह पे sin x है, तो साथ में क्या आ जाएगा इनटू sin x का डेरिवेटिव cos x plus, हमने समझ लो गए वो डेरिवेटिव a पावर x का याद रखना है a पावर x log a, ये जो है मेरे पास फंक्शन की एक्सपोनेंट फंक्शन की, जब आप कहते हो ना एक स्टैंडर्ड मेरे पास e की वैल्यू आपको पता है 2 पॉइंट समथिंग फिक्स कर दो, e इज आल्सो अ कांस्टेंट, e वेरिएबल नहीं है, इसकी वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होता है, दैट इज आल्सो अ वेरिएबल, तो इसका डेरिवेटिव लेते हैं e पावर x log e हमारे पास जो e के साथ जिसका बेस e होता है ना हम उसे नेचुरल लॉगरिथमिक फंक्शन कहते हैं, आगे अभी लॉग के बारे में बताऊंगी, अभी कुछ नहीं लिखा तो बेस e है, कॉमन लॉग में बेस 10 होता है, नेचुरल लॉग में बेस e होता है, तो बेटा आगे बताऊंगी log e टू द बेस e सबसे बड़ी बात,
अगर log x y है, मैं बेस कुछ नहीं देती हूँ, अंडरस्टूड है? मैं बार बार कह रही हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट द नेचुरल बेस। इसका फॉर्मूला होता है m into n या x y, मैं इसको log x plus log y फॉर्मूला में ऐसे चेंज कर सकती हूँ। अगर डिवाइड में x ओवर है तो इसको बेटा मैं सबट्रैक्ट में चेंज कर सकती हूँ। एक पावर में log m की पावर n या x की पावर y है तो बेटा मैं इसको n log m मतलब ये पावर आगे चली जाए। एग्जांपल दो कि जैसे मान लीजिए मेरे पास है log 8, मैं इसको लिख सकती हूँ log 2 की पावर 3, तो I can write it as log 3 log। एक चीज याद रखना, log के अंदर कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं होती। जब मैं कहती हूँ कि log x है, suppose कि पावर से log x 100% x is negative है, fraction में हो सकती है, अंदर नहीं। अगर आपके पास उन्हें मान लीजिए log root 2 है, आप इसको कैसे लिख सकते हो? log 2 power 1 by 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? power आगे आ जाती है log 2, क्योंकि sums करते होंगे ये calculation को minimize कर देते हैं, तो we are using this। ये 3 है ना, अब मैं आपको एक करवा रही हूँ base changing formula, वो हमारे questions में जो है मिसलेनियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जिसमें कि यूज होता है। जब मैं आपको बार बार कह देती हूँ, जब करते हैं ना नेचुरल लॉ से डील करते हैं तो वहाँ कुछ बेस नहीं लिखा है। अब बेस नहीं लिखा, हम उसको ई ही रिपीट करते हैं ना। अगर मान लीजिए कहीं पे आपको बेस मेंशन करना है, बी वन एस, आई कैन चेंज द बेस। हाउ? I can write log a over log b। अब कोई बेस नहीं लिखा, अंडरस्टूड है कि ये नेचुरल लॉग की बात है। मैं किसी भी लॉगरिथम को बेस चेंज करके नेचुरल लॉग में कन्वर्ट कर सकती हूँ। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? ये कॉन्सेप्ट यूज होता है। अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया, मैंने लॉग का आपको कोई ग्राफ नहीं बताया, क्योंकि पहले ग्राफ बताते थे तो आप नहीं समझ पाओगे उसको। सबसे पहले बात है कि आपको पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूले हैं। अब ये मैंने आपको कहा था कि एक्सपोनेंट फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन आपस में ना इंटररिलेटेड है। हमें क्यों लॉग की जरूरत पड़ी? पहले तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए, है ना। अब हम लॉग के फंक्शन में आते हैं, क्योंकि थोड़ा सा आपको मैंने ये फॉर्मूले बता दिए, रूल ऑफ काफी नीचे बाद में बताते हैं, बट मैंने पहले बताया क्योंकि आप प्लस वन पे कहीं ना कहीं ये यूज कर चुके हैं, दैट्स व्हाई कि थोड़ा सा फैमिलियर हो जाए इस टॉपिक। अब हम मेन फंक्शन के बारे में, अगर बेटा आपके पास b पावर y इक्वल्स टू x है, b पावर y इज इक्वल टू x, ये एक्सपोनेंट फंक्शन है, ये कांस्टेंट ही है, मैं इसको लॉगरिथम में चेंज कर सकती हूँ। वो कैसे कर सकती हूँ? आई कैन राइट इट एज लॉग एक्स टू द बेस वाई इक्वल्स टू दिस। अगर ये ट्रू है ना तो ये 100% ट्रू है। एग्जाम्पल टू, 2 पावर 3 आई कैन राइट 8, है ना। तो मैं अगर ये है तो 100% log 8 to the base 2, it is always मेरे पास हो गए। ध्यान से देखना बेटा, मेरे पास हो गए, सॉरी 3, that is always 2। base हमेशा power हो, मतलब यहां पर है मैं ऐसा कौन सा नंबर लू जिसकी पावर 3 हो, अगर ये ट्रू है
तो बेटा 100% मेरे पास हो गया, 100%। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर तो लॉग मेरे पास हो गए, मैंने ना यहाँ पर बेटा प्लीज करेक्ट, लॉगरिथमिक में हमने एक मिस्टेक कर दी, यहाँ भी होता है यहाँ पर कभी यहाँ पर पहले करेक्ट हुई। लॉग एट टू द बेस टू होता है, मतलब टू की पावर कितनी आंसर देता है, तुम यहाँ पर सेम यहाँ पर मैं 25 है बेस 5 भी सी वाला देती, मतलब मैं 5 की पावर कितनी लूं, आंसर 25 है तो दैट इज मेरे यहां लिखने में मिस्टेक हो गई। ओके प्लीज को एक्सेप्ट, मैंने आपको उसी से कंपैरिजन करके बताया ना, तो यहां मेरे से गलत दिखा, ये कहीं यूज नहीं होना है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि ये लॉगरिथमिक फंक्शन बना क्यों, जस्ट एक्सपोनेंट को सॉल्व करने के लिए। कोई भी पावर है आपके पास, मान लो टू की पावर मुझे नहीं पता एक्स है, आंसर एट दिया हुआ है, तो मैं लॉग से इसको सॉल्व कर सकती हूँ, कैलकुलेशन इजी हो जाती है क्योंकि लॉग की टेबुलर वैल्यू फिक्स्ड है, वो हमारे पास टेबल्स होते हैं, नेट पे वैल्यू अवेलेबल है, कैलकुलेटर्स में भी लॉग है हमारे पास, तो हम फटाफट हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाती है। दैट्स व्हाई आगे आप देखोगे इतना बड़ा बड़ा क्वेश्चन जस्ट लॉग लेके स्किन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब अगर मैं इसका ग्राफ ड्रॉ करूं बेटा, मेरे पास लॉग होगा बिल्कुल e की पावर का, ये उल्टा होगा, अगर e की पावर का ग्राफ ऊपर को जा रहा है तो इसका नीचे, बस सी बस एक चीज याद रखना, वो अगर पास करता है ना जीरो वन, ए पावर एक्स पास करता था मेरे पास फिर जीरो वन से, तो जो लॉग का ग्राफ है ना वो 1-0 से जरूर पास करता है, कारण ये log x है, तो मैं x की वैल्यू 1 लूं तो आंसर 0 आता है, इसका मतलब मेरे पास 1.0 है, वहां पर a पावर x में हम x की वैल्यू 0 लेते हैं तो आंसर 1 आता है। ये सबसे बड़ा डिफरेंस है, log का ग्राफ हमेशा 1.0 से पास होता है, a पावर x को 0.1 से पास, आपको डेरिवेटिव पता है सारा कि log x का जो मेरा ग्राफ है ना, log x का सॉरी डेरिवेटिव वो यू नो इट वेरी वेल, वो 1/x और y में x डिफरेंस, तभी तो log 0 डिफाइन नहीं होता, log ऑफ ए नेगेटिव नंबर विल नेवर बी डिफाइन। ठीक है, क्लियर टू यू? अच्छा, अगर कोई बेस मेंशन कर दे ना तो पहले बेस किन फॉर्मूले से हम इसको चेंज करेंगे फिर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे, अदरवाइज नहीं कर सकते। ओके, तो लेट अस डू नाउ क्वेश्चंस, तभी आपको पता चलेगा कि व्हाई वी हैव स्टडी दिस एक्सरसाइज। हो गए 5.4, आप वीडियो ऑन कर लीजिए, आई एम शोइंग यू दैट यू आर डूइंग द होमवर्क, हरि मुझे बार बार ना कहना पड़े ऑन योर वीडियो ऑल ऑफ यू बेटा एक्सरसाइज 5.4। First question, and y is equal to e power x over sine x. And madam, चलिए अपू unmute yourself और बताइए कैसे start करेंगे? अपू जल्दी बेटा, अपू unmute yourself. Next, Ansika unmute yourself. Hansika, unmute yourself. Hansika, unmute yourself, beta. Yes, ma'am. Okay, beta, how to start this question, beta? Ma'am, yahan pe u by v ka formula lagega. Very good, very good. Humne differentiate kiya with respect to x, u by v lagayenge, to derivative kiya u this or v this. To aapko pata hai v ka square jo hai mere paas v as it is derivative of u
एक्स का डेरिवेटिव मैंने अभी बताया ई पावर एक्स ही कहते हैं, तो मैंने सीधा लिख दिया माइनस ई पावर एक्स एल का डेरिवेटिव जो है साइन एक्स हो वो कॉस एक्स हो, जितना सिंपलीफाई कर सकते हो e पावर x को कॉमन ले लिया तो sin x माइनस cos x ओवर sin square x, आप हाफ एंगल भी कन्वर्ट करना है आपको लगता है तो कर दीजिए टाइम है, अदरवाइज की मैं लिख के रहो। अब नेक्स्ट मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, अगर मैं देखूं मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर 2, हां जी e पावर sin इनवर्स x, हाँ जी नेक्स्ट स्टूडेंट हो गए, हाँ जी कहाँ के नेक्स्ट, हरनूर सिंह बेटा, हरनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हरिया हरनूर सिंह अनम्यूट कर बेटा, अनम्यूट करके यस नो करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हरनूर मैंने ऑप्शन दी हुई अनम्यूट करने की, जल्दी जल्दी बेटा डोंट वेस्ट द टाइम, हरनूर ओके, लक्षित लक्षित अनम्यूट योरसेल्फ, यस मैम, आगे लक्षित बताइए कैसा मैम, हाँ जी बेटा मैम ई टू द पावर साइन इनवर्स एक्स स्पेसी लिखेंगे और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव कर देंगे वो आएगा वन अपॉन स्टेटमेंट देखें तो दिस इज ई x पावर 4 लिखा हुआ मेरी बुक में, आप एक बार चेक कर लीजिए e x पावर 4 या 3 जो भी जिससे मर्जी क्वेश्चन करें। नेक्स्ट टर्न जो है लक्षित के बाद, हां जी प्रभनूर बेटा अनम्यूट योरसेल्फ, प्रभनूर अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हाँ जी प्रभु बताइए बेटा हाउ टू सॉल्व दिस मैम, ई रेस की पावर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस की पावर 2, ओके हाँ जी बेटा डिफरेंशिएट करेंगे अगर हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स बेटा, तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव वो ई पावर एक्स ही रहता है, बट यहाँ एक्स नहीं था तो साथ में एक्स पावर 4 का डेरिवेटिव करेंगे 4x क्यूब, ओके बेटा क्लियर। तो अब बेटा नेक्स्ट मेरा देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है आई एम गोइंग नेक्स्ट टर्न जो है राणा, राणा अनम्यूट योरसेल्फ बेटा, हरि यस सर, हरि राणा की बताइए बेटा साइन टैन इनवर्स एक्स और आई थिंक ई पावर माइनस एक्स, ये मेरे पास क्वेश्चन है तो बताइए बेटा डेरिवेटिव कैसे करेंगे राणा, cos tan inverse e raised to a minus x into secant into 1 by root even 1 by 1 plus e minus x ka whole square into e minus minus 1 e power minus x into minus 1 bhi aana beta kyunki e power minus from minus 1 bilkul beta lakshya please mute yourself beta, हाँ जी तो बेटा मेरे पास जो है यहाँ पर मैंने क्या किया दैट इज व्हाट आई एम डूइंग हियर, सबसे पहले साइन किसको एक्स मान लिया, अगर डेरिवेटिव किया तो मेरे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है बेटा, अब जब मेरे पास कॉस एक्स का डेरिवेटिव तो आ गया बट यहाँ एक्स नहीं था, क्या था टैन इनवर्स मेरे पास, अब बेटा tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर, अब बेटा 100% यहां फिर x होना चाहिए था
बट एक्स नहीं है तो ई पावर एक्स का डेरिवेटिव ई पावर एक्स ही होता है, साथ में माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन। ओके जी, आप कैलकुलेशंस अपने हिसाब से कर सकते हो, अल्टीमेटली तो हमने सिर्फ यहाँ पर डेरिवेटिव निकालना आने चाहिए, कैलकुलेशन सबकी हो जाती है। ओके बेटा, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर जो है मेरे पास जो है बेटा फिफ्थ सिक्स यू कैन डू एज होमवर्क बेटा। तो अब मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर जो है वो सेवेंथ आई एम डूइंग फॉर यू। ओके, फिफ्थ सिक्स इज योर होमवर्क, वी कैन डू द क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नाउ। अब बेटा वाई इक्वल्स टू रूट ई रूट एक्स। ओके, अब बेटा मैंने इसका डेरिवेटिव करना, जब भी रूट आ जाता है ना तो बेटर है यू कैन राइट इट एज वन बाई टू, ये पूरा एक्स ट्रीट होगा, पूरा एक्स ट्रीट। तो अगर जो मेन फंक्शन है ना वो एक्स की पावर एन बना बेटा, चेन रूल तो बाद में लगेगी। नेक्स्ट टर्न मैंने हिंट दे दिया राणा के बाद, रसिका, रसिका बेटा अनम्यूट योर सेल्फ। यस मैम। हाँ जी रसिका बताइए बेटा कैसे स्टार्ट करेंगे डेरिवेटिव इसका बेटा। मैम वन बाय टू आगे आ जाएगा फिर एक पावर कम हो जाएगी। वेरी गुड वेरी गुड, और साथ में रूट एक्स का डेरिवेटिव अलग से कर देंगे। अभी इनकम्प्लीट बताया अपने, सबसे पहले e पावर x का भी तो डेरिवेटिव, रूट x का डेरिवेटिव नहीं नहीं वो तो आगे आएगा बेटा। सबसे पहले आपने इसको x लिया, आपने इसका कर दिया, बिल्कुल ठीक था रसिका। साथ में अब यहाँ x नहीं e पावर x है तो e पावर x का डेरिवेटिव भी आना है, वो e पावर x ही होता है, साथ में रूट एक्स का डेरिवेटिव मेरे पास ये आया। ओके बेटा, क्लियर टू एवरीवन? रसिका मिस्टेक पता चली बेटा? ओके ठीक है बेटा। ओके हाँ जी बेटा, क्लियर टू एवरीवन? नाउ लेट अस डू जो है मेरे पास नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। तो मेरे पास जो है क्वेश्चन नंबर एट, देखिए नाइन्थ आपका फिर होमवर्क पार्ट है, यू कैन डू क्वेश्चन नंबर एट नाउ। वाई इज इक्वल टू लॉग लॉग एक्स, जब भी आप लॉग का फंक्शन देखोगे ना, देखना वहां पर जरूर साइड पे लिखा होगा कि मेरे पास जो है एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन या जीरो, ऐसे जरूर मेंशन किया, क्योंकि लॉग जीरो मैं बार बार कह रही हूँ नॉट डिफाइंड। ओके, तो अब ये पूरा x हो गया ना बेटा, मेन फंक्शन log x हो गया फंक्शन, तो मैं जब डेरिवेटिव कर रही हूँ log x का डेरिवेटिव 1 by x, बट मेरे पास x नहीं है log x है ना बेटा, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x into x का भी तो आना है ना, वहां x नहीं है log x है तो वो 1 by x, तो दैट मींस आंसर इज 1 बाय एक्स लॉग। हम ना ऐसे साइड ऐसे नहीं लिखते, वो ऐसे लगता है कि लॉग के अंदर ही दो, दैट इज नॉट पॉसिबल, या तो हम लॉग में ऐसे लिखते हैं, तो ये लिखना थोड़ा सा जो है सही नहीं लगता, तो जो भी ये क्वांटिटी होती है लॉग के आगे लगा दो। समझ आ गई बेटा सबको? क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टाइप, अगर ये टॉपिक सब्जेक्टिव में आता है और ये आपकी कैलकुलेशंस को इतना इजी कर देगा ना कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन जो है कितनी जल्दी हो गया। जो नेक्स्ट टाइप हम कर रहे हैं ना बेटा वो करनी है वेरिएबल पावर, वेरिएबल का डेरिवेटिव लेना। अभी तक जो आपने समझा ना मेरे से, अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें पता क्या था, 10 की पावर x, ये था a की पावर x, 7 पावर x, 2 पावर sin x, दिस इज कॉन्स्टेंट, दिस इज वेरिएबल, एम आई राइट? हमने एक टाइप ये की हुई है, एक हमने की है वेरिएबल पावर कॉन्स्टेंट, जिसको आप x की पावर जो है
ट्रीट करती हूँ, एक ये किया एक ए पावर एक्स, दोनों में डिफरेंस मैं बार बार बोल रही हूँ। ये कॉन्स्टेंट पावर वेरिएबल, ये वेरिएबल पावर कॉन्स्टेंट एन, बट जो अब हम करेंगे टाइप वो क्या है, वेरिएबल पावर वेरिएबल। इसके करने के दो मेथड्स हैं, है ना, जो हम लॉग के साथ है पहले मैं वो करवाऊंगी फिर आपको दूसरा करूँ। कैसे, एक्स की पावर एक्स, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, अगर आपने इसका डेरिवेटिव लेना है आप ये नहीं लिख सकते हो, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, यू कांट राइट इट बिकॉज इट इज वेरिएबल पावर वेरिएबल। ओके, तो इसको कैसे करना है आप, ठीक है, ध्यान से देखना बेटा, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, या ये मेथड लॉग वाला कब और लगता है, तुम्हारे पास बहुत सारी टर्म्स हैं ऐसी, ये लीजिए, आपने इसका डेरिवेटिव निकालना है, सिंपल करोगे ना तो सारा दिन लगे रहोगे, तो बेटर होगा हम जब बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स मल्टीप्लाई या डिवाइड में हूं और कुछ पावर्स हूं तो हम उसको लॉग वाले जो अभी कॉन्सेप्ट बताने लगी हूं उससे कर सकते हो, आपकी कैलकुलेशन मिनिमाइज हो जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट बताने लगी हूं सबसे पहले आपको, देखिए मान लीजिए मेरे पास फंक्शन ऐसे है वेरिएबल पावर वेरिएबल, मैं लॉग ऑन बोथ साइड, मैंने लिया इधर हो गया लॉग वाई, इधर हो गया लॉग एक्स की पावर एक्स, मैंने आपको फॉर्मूला बताया था लॉग एम की पावर एन, एन लॉग एम होता है, इसके साथ कोरिलेट करें तो एक्स लॉग एक्स लॉग वाई। अभी मैंने डेरिवेटिव कुछ नहीं लिया, अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रही हूं कि कैसे करना है। अब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैंने आपको इम्प्लिसिट फंक्शन में ये बात बताई थी कि अगर वाई है डिफरेंशिएट एक्स से कर रहे हैं तो डी वाई बाय डी एक्स लग जाता। अब जरा देखिए लॉग वाई का वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स क्यों ऐसे आया, लॉग एक्स का डेरिवेटिव वन बाय एक्स होता है, यहां पर दो फंक्शन बन गए, प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट एज इट इज सेकेंड का डेरिवेटिव प्लस सेकेंड एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ वन एक्स वन, ये कट गया तो वन प्लस लॉग एक्स आया, ये है वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स, मुझे क्या कैलकुलेट करना था डी वाई बाय डी एक्स, तो ये वाई उधर चला जाएगा ऐसे, वाई को मैंने क्या लिया था एक्स पावर एक्स, वैल्यू पुट कर दी, ये फॉर्मूला बना, ये मेथड है, कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे, अभी तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, वी विल डू इट। और अभी तक का जो हम देखें अगर सब्जेक्टिव टाइप पेपर में इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है ना तो ये क्वेश्चन टाइप एक पक्का पेपर में आता है। ओके, चलिए गुड बाय, और प्लीज वो लॉगरिथमिक वाला कोरेक्ट कर लेना जो बी और माइनस मैंने इंटरचेंज कर दिया था बाय चांस। ओके, कोरेक्ट इट एंड डू द सम्स एज